अस्सलाम वालेकुम बबली, क्या चला, कैसे आपकी तबीयत, कैसे हो भाई साहब। आ गया हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो यार मैं अब रिएक्शन देना अभी बंद किया हुआ, अभी मैं ना टिकटॉक वगैरह पे रिएक्शन दे रहा हूँ। तो भाई साहब मेरे पास यहाँ पे ना सप्लाई के रेट पड़े हुए थे कुछ, मतलब 40 से 46 के करीब, ठीक है। और ये न्यू भी आए होते हैं आपका भी पता है। तो मैं फिर यहाँ पे ना इसे सब को ओपन करता हूँ। और भाई साहब मेरा एक दोस्त है अनीस, ठीक है, आपको भी पता होगा, जो SPX अनीस था पहले मेरे साथ खेलता था, अब उसने नेम चेंज कर लिया है। तो अनीस जो मेरा दोस्त है ना, काफ़ी मतलब अच्छा है मेरे साथ, काफ़ी अच्छा इंसान है यार। तो वो ना उसने भाई लगा दी पबजी के ऊपर कुछ UC 2000 के करीब, तकरीबन कुछ 10,000 लगाया पाकिस्तानी, ठीक है। और भाई साहब जो उसकी पबजी वालों ने लूटा है ना बेचारे को, वो खुद परेशान है। तो बाकी यार मैं खुद परेशान था भाई साहब, इतना मतलब पबजी वाले गिर सकते हैं भाई। अब तो पबजी वाले कुछ देते भी नहीं है क्रेट्स में, पहले दे देते थे, अब भाई देने का कुछ नामो निशान ही नहीं है पबजी में यार, ऐसा सीन है। अब मेरे पास सप्लाई क्रेट पड़े थे ना, ठीक है, एक सूट 2-3 बार ही निकला था। वो देखो जो फर्स्ट नंबर पे है ना, ये रेड वाला, ये मेरे पास भाई 2-3 दफ़ा निकला है मुझे पता है। तो भाई साहब पहले जब क्रेट ओपनिंग वगैरह करते थे ना, तो बहुत मज़ा मतलब आता था और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती थी, यार हमारा ये चीज़ निकला ही है। अब भाई खुशी नहीं है, और मैंने भी गेम छोड़ दी है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं गेम खेलता, दिल नहीं करता यार खेलने का गेम, सीधी बात बोलो। जो पहले खेली है ना जितनी, ठीक है, जितनी गेम खेली है, सारा सारा दिन भाई लगे रहना, तो अब थोड़ा फड़ा हो गया हूँ भाई, घर के कुछ काम शाम है तो कामों में बिज़ी रहते हैं, अब गेम का इतना ध्यान ही नहीं है। कल रात ओपन की थी अनीस, ये दोस्त था और दोस्त था, एक दोस्त था उनके साथ ही खेली थी, ठीक है, ये अनीस के साथ ही रात खेली है मैंने। तो भाई साहब उसके बाद मैंने गेम को बैक करके ऑफलाइन हो गया, दिल ही नहीं किया यार खेलने का, सच बता दूं आपको मैं। उसके बाद चलते हैं भाई दोस्त की क्रेड ओपनिंग के ऊपर। दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे ये वीडियो सेंड की थी, तो भाई साहब क्या है बेचारे का कटा है ना यार, वो मैं खुद हैरान था यार। देखो ऊपर 2000 UC पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे वो बेचारा यार उसको पता नहीं है यार इतना ज़्यादा ना इस चीज़ का। उसे मैंने बड़ा समझाया कि ना किया अगर पबजी के ऊपर पैसा आया, पर हटता ही नहीं है। तो ये सीन जो है ना पबजी का, मतलब मिथी कितने पे निकलता है और ये लेजेंडरी इतने पे निकलता है, वो यार एक परसेंटेज होती है, अभी इतने परसेंट पे चांस होता है मतलब निकलने का, ठीक है, मिथिक का तो सबसे कम चांस होता है निकलने का, ठीक है। तो वो समझते हैं कि पबजी इस टाइम पे ही भाई इतना दे देगी, तो भाई नहीं देती होती यार पबजी इतने टाइम पे ना, मतलब कुछ भी नहीं देती, लक है, लक पे ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई जो निकल आए निकल आए, नहीं तो नहीं निकलता। मेरा एक पहले अकाउंट था, ठीक है, उस पर भाई मैंने मतलब एक स्पिन कर दिया था 10 UC का, भाई मेरी बैरल निकल आई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो कुछ ऐसा सीन हुआ था यार, कोई स्कैम हुआ था मेरे साथ, ठीक है, मैं बहुत बड़ी लंबी कहानी है यार, काफ़ी अच्छा इंसान है दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा। अब कहता है गेम में यार आ जाए, अगर तो मेरे पास ना डिवाइस नहीं है, अभी जैसे ही डिवाइस आएगी ना इंशाल्लाह मैं बैकअप करूँगा दोबारा, और फिर मतलब एक बार आऊँगा गेम के अंदर, और फिर इंशाल्लाह लाइव वगैरह किया करूँगा, लाइव के ऊपर खेला करेंगे। तो भाई साहब 57 RP हो गए भाई की। तो यहाँ पर देखो भाई खुद हैरान था भाई, कुछ दिया नहीं। अब ये जो है ना मेरे ख्याल से मोसिन आई है न्यू वाली गन, ठीक है, इसका भी भाई वो क्रेट ओपनिंग कर रहा था, शायद ये ही निकला है बेचारे की, बड़ा सा सीन कोई हुआ नहीं और बेचारे का कुछ निकला नहीं है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख लगा था भाई साहब, 10,000 रुपये ऐसे फालतू ही गए। तो मुझे उसने कमेंट किया था कि यार मैंने मतलब ये इस पर स्पिन किया, ठीक है, मुझे यार कुछ मिला नहीं है। तो मैंने फिर क्या कहना था, मैंने उसे दिलासा ही दे सकता था, क्योंकि मैं पबजी वाला तो हूँ नहीं भाई जो उसके UC उसको वापस कर देता। तो मुझे भी काफ़ी दुख लगा यार, 10,000 रुपये ऐसे ही गए, और 2000 UC भाई मायने रखते हैं। मेरे पास भाई 300 UC नहीं पड़े जो रॉयल पास ले सकूं, अब तो मेरे ख्याल महंगा हो गया रॉयल पास, कोई 700 कुछ UC का आ रहा है। तो बाकी क्या करना है यार, मैंने लेके अब खेलता तो मैं इतनी ज़्यादा पबजी है नहीं, और बाकी दिल से लव यू प्लीज, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, बस देख लो यार ये सारा स्कैम ही है, ना लगाया करो भाई पैसे इसके ऊपर, कुछ भी नहीं देते पबजी वाले, ठीक है, आपको भी मैं बता दूँ। बाकी दिल से लव यू प्लीज, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। मिलते हैं कल की वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।